मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए हम चलते हैं उस शख्सियत के जानिब के बस फैज के दो लाइनों के साथ कि गुले में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जनाब रेहान खान साहब, जनरल सेक्रेटरी बज़्म-ए उर्दू दुबई का इस्तकबाल करिए और जानिए कि दुबई में उर्दू के हालात क्या हैं। रेहान खान साहब का ज़ोरदार इस्तकबाल करिए। ये दुबई से सिर्फ मुशायरे के लिए आए हैं और यकीन करिए कि फ़्लाइट से यहीं आए हैं और यहीं से फ़्लाइट से चले जाएंगे। ये भी हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, ममनू हैं, ज़िंदगी भर इनका एहसान उतारेंगे तो नहीं उतर सकता। जनाब रेहान खान साहब, ज़ोरदार इस्तकबाल। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले कहूंगा कि खालिद साहब की बातों के ज़्यादा आप लोग भरोसा मत कीजिएगा। जो जो इन्होंने कहा उसमें आधी सच्चाई है और आधी बढ़ाई गई है। तो मैं शुक्रगुजार हूं खालिद आदमी साहब का कि जिन्होंने आज ये मौका दिया मुझे यहाँ पे आने का, और ये बड़ा एक ख़ास मुशायरा है जो कि मज़दूरों के लिए, मज़दूरों का यौम मज़दूर के ऊपर किया जाता है। तो एक दो मिसरे आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहूँगा कि खून मजदूर का मिलता जो ना, खून मजदूर का ना मिलता तो ना तामीरों में ना हवेली ना महल और ना घर होता। तो मज़दूर एक बहुत अहम हमारे सोसाइटी का, हमारे उसका हिस्सा होते हैं, और उसके बावजूद भी उनकी जो हालत है, जो उनकी कंडीशन आजकल है बहुत अच्छी नहीं है। मैं एक अनवर ताबा साहब की नज़म आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा, अगर इजाज़त हो आप लोगों की, कि वो है मज़दूर जिसे आज भी दुनिया वाले आदमी कहते हुए डरते हैं, घबराते हैं, सफ़े इंसान में भी लाते हुए शर्माते हैं। सोचता क्यों नहीं इस बात को दुनिया वाले, वही मज़दूर हैं दिन रात की मेहनत जिसकी, कसर करती है ज़माने में ये क्या क्या तामीर, और ख़ुद भूख की जंजीर में होती है असीर। फिर भी बेचारा वो मज़दूर ज़रा देखो तो, आखिरी सीढ़ी पे अब जीस्त की रखे हुए सर, जिस्म खाकी पे लिपटे हैं उम्मीदों का कफन। सिर्फ इस आस में ज़िंदा है कि दुनिया वाले कम से कम अब तो उसे आदमी कह दें एक बार। तो ये अनवर ताबा साहब ने बड़ा दर्द भरा था उनके मज़दूरों के लिए, और उन्हीं की तरह एक हमारे खालिद आदमी साहब भी हैं जिन्होंने एक यौम मज़दूर के ऊपर इतना बड़ा मुशायरा मुनक्कद किया है, क्योंकि ये आदमी हैं, अदीब हैं, तो इन्होंने मज़दूरों को मिला के एक मुशायरे की शक्ल में यहाँ पे पेश किया गया है, जो कि एक बड़े काबिल तारीफ़ बात है। और उससे काबिल तारीफ़ बात ये है कि इन्होंने आज एक बड़ी अच्छी पहल की है। इन्होंने इस मुशायरे में, जहाँ की इतनी ख़ास शख्सियतें और इतने बड़े अदीब और इतने बड़े माशाल्लाह वीआईपीज़ बैठे हुए हैं, उसमें उन्होंने इस मुशायरे का इफ्तिताह एक मज़दूर से कराने के लिए दुबई से बुला लिया। मैं दोस्तों ना अदीब हूँ ना शायर हूँ, मैं एक बहुत छोटा सा एक आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हुआ एक इंजीनियर हूँ, मगर मज़दूर हूँ उर्दू का। केजरीवाल साहब भी वहीं से पढ़े और उस मज़दूर के होते हुए मैं उर्दू की खिदमत करना मैं अपना फ़ख्र समझता हूँ। मैं, मेरा ताल्लुक़ लखनऊ से है, मेरा ताल्लुक़ मलियाबाद से, जोश मलियाबाद साहब की ज़मीन से है मेरा ताल्लुक़, और गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ मैं उसको कह सकता हूँ जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और उस हवाले से मैं उर्दू के लिए जो थोड़ा बहुत खिदमत कर पाता हूँ वो करता हूँ। हालाँकि मैं ज़्यादातर ये कहता हूँ कि अपनी बीवी के बाद मेरी पहली मोहब्बत उर्दू है, लेकिन क्योंकि आज मेरी बीवी यहाँ नहीं है तो मैं कह रहा हूँ आप सबके सामने, बस इसको यहीं पे रखिएगा, इस हॉल के बाहर मत जाने दीजिएगा, कि उर्दू मेरी पहली मोहब्बत है। और अच्छा, वो भाभी जो है मनकुहा है और उर्दू माशूका है। हाँ चलिए, ये बात भी मैं मान लेता हूँ, खाद लड़की माशूका है। तो उर्दू के लिहाज से मैं जब मैंने सोचा उसके लिए कुछ करने का, तो क्योंकि मैं एक आम आदमी, एक मज़दूर था, शाहजहाँ तो था नहीं, तो मैंने ताजमहल बनाने की कोशिश भी नहीं की, और ताजमहल बनाने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता। वैसे भी आज मेरे ख्याल से साहिर साहब की याद में क्योंकि हो रहा, और साहिर साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से कहा था कि मेरे महबूब
मिला ना मेरे महबूब यहाँ कहीं और मिलाकर मुझसे, बज़्म में शाही में गरीबों का गुज़र, बज़्म में शाही में गरीबों का गुज़र क्या होना। तो इस लिहाज से मैंने सोचा कि ताजमहल के बजाय एक तंजीम अगर खड़ी की जाए जो कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इमारतें जिस दिन आप बनाते हैं उस दिन से वो ढलना शुरू हो जाती हैं और पुरानी होना शुरू हो जाती हैं, मगर तंजीम जब आप एक बनाते हैं तो वो वक्त के साथ उसमें तकवियत मिलती है और वो और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से काम करने की वो करती। तो उस लिहाज से बज़्म उर्दू दुबई हमने कायम किया और दुबई में उर्दू को ले के जो कुछ हमारे साथी हैं जिसमें हमारे शादाब उल्फत साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं और उसके अलावा और भी हमारे जो साथी हैं, जो जुनून है उनके अंदर उर्दू की खिदमत करने का वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और उसका एक नमूना मैं आपको ये देना चाहूँगा कि हम एक तंजीम की हैसियत से ये सोचते हैं कि उर्दू का फ़रोग सबसे अहम मसला उसका ये है आज की तारीख में कि हम उर्दू का तोहफ़ा आने वाली नस्ल को दे दें, हम आने वाले बच्चों को उर्दू सिखा दें, तब उर्दू की कामयाबी है। क्योंकि आज हम उर्दू बोल रहे हैं, आप उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन जब तक कि इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उर्दू का फ़रोग नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को लेके बज़्म उर्दू दुबई ने काफ़ी काम किया है और आज मैं फ़ख्रिया ये कह सकता हूँ कि हमने लखनऊ जैसी जगह पर स्कूलों में उर्दू एज अ सब्जेक्ट शुरू करवाया है और आज 3 ऐसे स्कूल हैं जिसमें जो लखनऊ से वाबस्ता लोग हैं जानते होंगे, लामार्टनियर कॉलेज उर्दू का बहुत मशहूर स्कूल है और 176 साल पुराना ब्रिटिश टाइम का स्कूल है, 1942 में आखिरी बार वहाँ उर्दू का क्लास हुआ था। 3 साल से उर्दू एज अ सब्जेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय बज़्म उर्दू लामार्टनियर में क्लासेस चल रहे हैं, आज 3rd साल 150 बच्चे हैं जो रोज़ उर्दू पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक जो बहुत बुनियादी काम है और जिसमें मैं हर यहाँ पे बैठा शख्स उसको मैं दावत दूंगा कि बज़्म उर्दू के साथ मिलके ये काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि बच्चों तक के उर्दू पहुँचा दें, क्योंकि एक बार वहाँ पे उर्दू पहुँच गई तो हमको ये बड़ा दिल को तसल्ली हो जाएगी कि भाई आगे मुशायरे सुनने वाले भी होंगे, आगे उर्दू के लिए बोलने वाले भी होंगे और आगे उर्दू पढ़ने और सुनने वाले भी होंगे। तो ये छोटा सा पैगाम हमारा बज़्म उर्दू की तरफ से, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो खालिद आज़मी साहब ने आज मेरे साथ ज़्यादती की है ये अवार्ड दे के, मैं इनको शायद माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं मज़दूर हूँ और मज़दूरों को खैर उनसे काम लिया जाता है, उनको अवार्ड वगैरह नहीं दिए जाते हैं। तो इसलिए मेरे से जितना काम आप लोग ले सकते हैं उर्दू के लिए वो मेरी खुशनसीबी होगी और इसके साथ मैं खालिद आदमी साहब को मुबारकबाद देता हूं इस मुशायरे के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।